सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। परमात्मा तक कौन पहुंच सकता है? ध्यान देना, जो विदेह हो गए, जो देह से ऊपर उठ गया, जिसकी पहुंच अभी तक देह तक बनी है ना, वो देह के बाद की जो यात्रा है, उसका जो सौंदर्य है, वो नहीं जान सकता है। देह से भीतर भी मेरे भाई बहन परमात्मा का राज्य शुरू है। वेदांत में तो शरीर को नश्वर माना गया ना, और शरीर दुख का एक कारण है। ये जितने भी दुख, संताप, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं, वो सब शरीर तक ही तो है। शरीर के बाद की जो यात्रा है, वो तो केवल और केवल आनंद की यात्रा है। परमात्मा को जानना है तो देह से ऊपर उठना पड़ेगा। उनका जो सौंदर्य है, उनका जो आनंद है, उसका जो रस है, उसको जानना है तो देहाभिमान से ऊपर उठो। और आपके पुत्र ऐसे हैं महाराज, उनको तो कोई विदेही ही जान सकता है। हाँ, दशरथ जी का मन फिर नहीं माना। दशरथ जी ने कहा कि वो तो ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे बच्चों को देखा क्या? बोले महाराज, हाँ देखा, सुनी सुनाई बातें थोड़ी कर रहे हैं, हमने सब कुछ देखा। बोले नहीं नहीं, वो जो पत्र में लिखा है वो तो जनक जी ने देखा, वो लिखा है ना। मैं आप लोगों की दृष्टि जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब से मेरे राघव को देखा तो आप लोगों की क्या स्थिति है, आप लोगों की दृष्टि क्या है मेरे पुत्र के विषय में। तब दोनों दूत मुस्कुराते हुए बड़ा प्यारा जवाब दिए कि महाराज, मेरी दृष्टि का तो मैं क्या वर्णन करूं। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तर आवत को, अब न आँख तर आवत को, देव देखी तब बालक दो, क्या वर्णन करूं। आपके पुत्रों को जब से हमने देखा ना, हमारी क्या हालत हुई महाराज, सच बताऊं अब और कोई दिखाई पड़ता ही नहीं महाराज। ऐसे बस गए हैं वो सांवले सरकार हमारी नजरों में, हमारी आंखों में, अब तो सर्वत्र वही नजर आते हैं। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। पिला देव साकी मई अर्घबानी कि बेहोश होकर बकूं तू ही तू है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। स्वामी रामतीर्थ की कविता। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ए मालिक, ए हरि, जिधर देखता हूं, पहाड़ों में, वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों पर, शिखरों पर, सर्वत्र, मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। अब न आंख तर आवत को, अब कोई हमारी आंखों में बसता ही नहीं सरकार। और देखो, जिसको देखने के बाद और किसी को देखने की इच्छा न हो, समझना वही पूर्ण सुंदर है। जिसे देख करके भी और किसी को देखने की इच्छा हो, इसका मतलब है आपने पूर्ण को पाया ही नहीं। पूर्णता का मतलब ही है
कि जिसको देखने के बाद फिर और किसी को देखने की इच्छा न रह जाए। तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई भगवान राम भी तो सुंदर है ना, कहु नाथ सुंदर दो बालक। तो फिर राम जी के मन में सियाजू की कामना क्यों है? जब सरकार पूर्ण ही है तो फिर सियाजू को पाना क्यों चाहे? क्यों जनकपुर की यात्रा की? क्यों पुष्प वाटिका में गए? तो एक संत ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि भगवान तो पूर्ण है, लेकिन भगवान चाहते हैं मेरी पूर्णता कहीं कम न हो जाए, इसलिए सुंदरता को भी जो सुंदरता देने वाली हैं मैं उनको प्राप्त कर लूं ताकि मेरी सुंदरता कायम बनी रह जाए। तो ये प्रमाण हो गया। ये बात मिथिला के पक्ष में जाती हैं, जनकपुर के पक्ष में। वहाँ की सखियाँ अक्सर कहती हैं, वहाँ के लोग अक्सर कहते हैं, अरे तुम्हारे राम जी क्या सुंदर है, मेरी सियाजू सुंदर है। कौन पूछता था तुम्हारे राम जी को? जब से सीता जी आई ना, तब से तुम्हारे राम जी पूजनीय हो गए। तो अयोध्या वाले कहते हैं कि अच्छा, वो जो अहिल्या का उद्धार किया, वो चरणों से पत्थर की शिला लगी और महिला प्रकट हो गई, वो क्या है? बोले वो भी इसलिए घट पाई, जैसे ही जनकपुर की ओर कदम बढ़ाया ना, ये सब घटनाएं होने लग गई। अयोध्या में रहकर तुम्हारे राम जी ने क्या किया? तो ये बात जनकपुर के पक्ष में जाती है कि राम जी से ज्यादा माता वैदेही सुंदर हैं। सुंदरता कहूं सुंदर करई। और ये प्रेमी का स्वभाव होता है कि जिसको देखने के बाद फिर किसी और को देखने की इच्छा न हो। सहज विराग, फिर से जनक जी महाराज के प्रसंग को याद करिए। पहली बार जब भगवान राम को देखा जनक जी ने, क्या दशा हुई? ये प्रेमी के देखने की कला। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप थकित हो तुझमी चंद्र चकोरा, थकित हो ही जिमी चंद्र चकोरा। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।